बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम रियलमी मोबाइल 7 प्रो का जो है रिव्यू आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए। उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। ये रियलमी 7 प्रो का 8 128 GB का वेरियंट है। इसको आज हम ओपन करेंगे, देखते हैं इसमें जो है ना वो हमें किस तरह की लुक मिलती है। तो आइए हम इसको जो है ना वो ओपन करते हैं। इसमें हमारा जो है वो चार्जर जो है वो 65 वॉट का है। बहुत अच्छा चार्जर है जो बहुत ही मतलब फास्ट चार्ज करेगा। और स्नैपड्रैगन जो है वो 720G इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। और 64 इसका जो है वो मेगापिक्सल कैमरा है। 6.4 इसमें जो है वो इंचज की इसकी LED है। तो आइए हम इसको ओपन करके देखते हैं लुक जो है वो हमें किस तरह का मिलेगा। ये वाला वेरियंट हम मिरर ब्लू कलर के अंदर जो है वो अनबॉक्स कर रहे हैं। तो ब्लू कलर जो है वो रियलमी में देखते हैं कि किस तरह का लुक देखते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो है ये एक पाउच है। ये लाइट ग्रे कलर के अंदर पाउच है। ये इसकी जो है वो बुक्स है। और ये अच्छी प्लास्टिक के अंदर हमें जो है वो मिल रहा है। और अगर हम वेरिएंट की बात करें तो ये हम बाद में देखते हैं। ये हमारे पास बहुत ही अच्छी किस्म का देखें चार्जर है। चार्जर के ऊपर जो है वो इसकी बॉडी से ही आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है वो चार्जर है। और ये 65 वॉट का जो है ना वो 65 वॉट इसमें जो है ना वो चार्जिंग कैपेसिटी है। तो इसकी केबल जो है वो टाइप सी है। और इसमें ये 3rd इंजेक्टर पिन है। और इसमें जो है वो हैंड फ्री नहीं निकली। हैंड फ्री के लिए जो है ना वो बहुत सारे सेटों ने बंद कर दिए। कंपनीज हैंड फ्री आजकल नहीं दे रही। तो अभी आप ये सेट को देख सकते हैं कि ये लुक वाइज देखे बहुत ही प्यारा ब्लू कलर इसमें जो है ना वो शेड बहुत ही अच्छा है। आप इसकी ये डाउन साइड देखें। ये इसका जो है वो राइट साइड लेफ्ट साइड सब तरफ से आप देखें किस तरह की है। VIP इसमें जो है ना वो सेटिंग दी गई है। तो नए जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आएंगी। अभी हम इस मोबाइल को ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आई थिंक इसकी बैटरी जो है वो डेड है। हम सबसे पहले इसको जो है वो चार्ज कर लेते थोड़ा सा। करने के बाद जो है वो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये जो है वो किस तरह का डिस्प्ले दे रहा है। सबसे पहले हम इसको जो है ना वो चार्ज करते हैं। तो चार्ज करते हुए आपको ये ख्याल रखना है कि टाइप सी जो है वो केबल समझ लें कि वो आप उल्टी लगाएं या सीधी लगाएं या आईफोन की तरह होती है एक ही सीधी लगती है यानी कि। तो बाकी जो है वो अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये आई थिंक 6% जो है वो चार्ज हुआ हुआ है। तो इस पर सेट तो ऑन नहीं हो रहा लेकिन ये कि इसको हम थोड़ा सा मजीद और जो है ना वो चार्ज करते ताकि ये जो है ऑन हो जाए। और आपको जो है वो ये बताते चले कि अगर आप ये मोबाइल इंस्टॉलमेंट पर हासिल करना चाहते हैं तो ये कराची में ये सर्विस अवेलेबल है। आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं बिल्कुल मंजूर कॉलोनी जो एरिया यहाँ पर जो है ना वो हम इसको डील कर रहे हैं। तो ये मोबाइल जो है वो थोड़ा सा चार्ज होने के बाद ऑन हो गया है। इसको हम मजीद देखते हैं कि इसका डिस्प्ले किस तरह का है। मोबाइल के ऑन होने के बाद जो है वो सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, उसको एक्टिवेट करना होता है। इसमें जो है वो अभी हम सबसे पहले वो सेटिंग्स कर लेते हैं। और एक और बात आपसे डिस्कस करते चलें कि अगर आप भी चाहते हैं कि कोई मोबाइल ऐसा जो आप चाहते हैं कि जिसकी हम अनबॉक्सिंग करें तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो ये हमारा सेट जो है वो ऑन हो गया है। अभी आप देख सकते हैं ये इसका कैमरा ऑन हो गया। कैमरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसमें। और बाकी चीज़ें तो आम रूटीन में जैसी होती हैं सब मोबाइलों में उसी तरह की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।